मेघनाथ के मरने के बाद सुलोचना का क्या हुआ? जब मेघनाथ की मृत्यु हो जाती है, लक्ष्मण के हाथों से मेघनाथ का वध हो जाता है, उसके बाद सुलोचना ने क्या किया? ऐसी क्या मजबूरी बन गई जो सुलोचना को ऐसा काम करना पड़ा? कौन सा काम किया था? आ जाओ इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, माना तो यहाँ तक गया है कि सुलोचना जैसी कोई पतिव्रता स्त्री, बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी सुलोचना, लेकिन फिर भी सुलोचना ने ऐसा क्यों किया, क्या किया था? दोस्तों, शायद आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो आ जाओ, आप लोगों का समय बर्बाद ना करते हुए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं एक ऐसी अनोखा प्रसंग, अनोखी कहानी, अनोखी कथा लेकर के। शायद आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को और हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों ने वीडियो को खोल लिया है तो पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, अपने परिवार के साथ में और अपने मित्रों के साथ में, क्योंकि वीडियो को पूरा ज़रूर देखोगे आप, तभी आपकी कोई बात समझ में आएगी, अन्यथा आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित हुआ करता है। तो आ जाओ, आप लोगों का कीमती समय बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ, गौर करते हैं प्रसंग की तरफ, देखते हैं, चलते हैं एक न्यू कथा की तरफ। दोस्तों, आप लोगों को भी मालूम है, हम लोगों को भी मालूम है, मेघनाथ बहुत बड़े बलवान वीर था, बहुत बलवान था। उसके सामने देवता लोग भी खड़े होने से डरते थे। उसने देवताओं के राजा देवराज इंद्र को भी जीत लिया था। देवराज इंद्र को जीता था, इसलिए उसका एक दूसरा नाम पड़ा था जिसे कहते हैं इंद्रजीत। इतना बलवान मेघनाथ होते हुए भी, इतना बलवान होने के बावजूद भी, शेष अवतारी लक्ष्मण के हाथों से मारा गया मेघनाथ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, लड़ाई मेघनाथ और लक्ष्मण की थी, लड़ाई धर्म और अधर्म की थी, लड़ाई दोनों पतिव्रता स्त्रियों की थी। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, वो भी बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना, ये भी बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। तो दोस्तों, आज आप बताते हैं आपको कि जिस समय युद्ध चल रहा था, युद्ध क्षेत्र में भगवान राम और रावण के बीच में, तो मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच में इधर लड़ाई चल रही है, तो एक दिन मेघनाथ ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके, शक्ति बाण से लक्ष्मण की शक्ति मार दी, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए, अचेत अवस्था में गिरे थे। पवन पुत्र हनुमान ने वज्रवीर बजरंग बली ने बूटी ला करके उनको दोबारा सही कराया, उनको जिंदा किया। उसके बाद में जब दोबारा युद्ध हुआ तो मेघनाथ को मालूम पड़ गया था ये लक्ष्मण राम कोई साधारण इंसान नहीं है, ये साक्षात भगवान के अवतार हैं, भगवान श्री राम, और लक्ष्मण स्वयं शेष के अवतार हैं। तो मेघनाथ ने जाकर के अपने पिता रावण को बहुत समझाया था, आप मान जाइए, आप ऐसा मत करिए, और अगर आप और अपने परिवार का कल्याण चाहते हो तो आप सीता माँ को वापस करके और उनकी शरण में चले जाना चाहिए। रावण ने कहा था, मुझे आज मालूम पड़ गया कि मेरे एक वीर पुत्र नहीं बल्कि एक कायर पुत्र पैदा हुआ है, मेरे घर में एक कायर पुत्र है, और अगर तुम अपने धर्म से हटना चाहते हो तो हट जाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेघनाथ समझ गया कि पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, अब समझाने से कुछ नहीं होगा। तो मेघनाथ ने कह दिया कि बेटा का ये धर्म होता है, पिता चाहे अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी कैसा भी हो, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करना पिताजी, अब जो होगा वो सब देखा जाएगा, मुझे मालूम है होना क्या है। और ये बात हकीकत है, मेघनाथ को पहले से ही पता था क्या होना है क्या नहीं होना है, अब जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं अपने पुत्र होने का धर्म पूरा जरूर करूँगा। तो मेघनाथ लड़ने के लिए लक्ष्मण के सामने पहुँच गया। लक्ष्मण ने बड़ी वीरता से, बड़ी फुर्ती से मेघनाथ का वध कर दिया। जब मेघनाथ मरा पड़ा था युद्ध क्षेत्र में, उधर सुलोचना को मालूम पड़ा है, शीश कटा पड़ा था मेघनाथ का, उधर सुलोचना को मालूम पड़ गया तो दोस्तों कलेजा फट गया, बहुत रोई, बहुत रोई, अपने सास ससुर के पास में जा कर के अपनी सास मंदोदरी से कहा, मैया मेरे पति का शीश मंगा दो, मैं सती होना चाहती हूँ। मंदोदरी और सुलोचना ने जाकर के रावण से कहा, रावण के हाथ जोड़ करके सुलोचना ने कहा, पिताजी मेरे पति का आप शीश मंगा दीजिए, जिससे मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मेरा ये धर्म बनता है कि मैं अपने पति के साथ में सती हो जाना चाहती हूँ। रावण इतना बड़ा अहंकारी था, इतना बड़ा पापी था, इतना बड़ा घमंडी था, रावण ने साफ मना कर दिया कि मैं दुश्मन के सामने जाकर के हाथ नहीं जोड़ सकता कि तुम मेरे बेटा का शीश मुझे वापस दे दो। सुलोचना मंदोदरी ने बहुत समझाया रावण को, लेकिन रावण की कोई बात समझ में नहीं आई, अपने अहंकार बस उसने साफ मना कर दिया, ऐसा कभी हो नहीं सकता और ना कभी जाऊँगा मैं दुश्मन के सामने हाथ नहीं फैला सकता। लेकिन भगवान श्री राम इधर बैठे सब देख रहे हैं क्या होना है क्या नहीं होना है, अरे उनको तो सब मालूम है
कहते हैं ना, विद्वान तन की जाने, मन की जाने, जाने चित की चोरी, और इन प्रभु से का छिपो इनके हाथ में डोरी। सुलोचना को जाकर के मेघनाथ की कटी हुई भुजा ने बताया था लिख करके कि मैं रामा दल में मरा पड़ा हूँ, मेरा शीश रामा दल में है। तो सुलोचना उसी आधार पर अपने ससुर अपनी सास से कह रही थी कि मेरे पति का शीश मंगा दीजिए। लेकिन जब सास ससुर ने साफ इनकार कर दिया, रावण ने साफ मना कर दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता, जीते जी अपने प्राण दे दूंगा लेकिन कभी दुश्मन के सामने जाकर के भीख नहीं मांगूंगा। तो अब सुलोचना ने कहा, तो अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए पिताजी तो मैं चली जाऊँ। रावण ने कहा, ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ, तो मेरे भैया कुछ सहेलियों को लेकर, कुछ साथ की स्त्रियों को लेकर, दासियों को लेकर डोली में बैठ करके सुलोचना चली है। कहाँ? जहाँ पर रामा दल खड़ा हुआ, भगवान श्री राम खड़े हैं, लक्ष्मण खड़े हैं, विभीषण खड़े हैं, सुग्रीव खड़े हैं, जामवंत खड़े हैं, हनुमान जी खड़े हैं, बड़े बड़े वीर बहादुर खड़े हैं और संपूर्ण सेना खड़ी है। उसी सेना के बीच में सुलोचना जा करके खड़ी हो गई। तो भगवान श्री राम ने देखा कि ये मेघनाथ की पत्नी सुलोचना आई है। तो भगवान श्री राम ने पूछ लिया, कहो कैसे आई हो? तो हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मेरे पति का शीश तुम्हारे रामादल में पड़ा हुआ है, आप एक काम कीजिए, उसे मुझे दे दीजिए, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं उसके शीश के साथ में सती होना चाहती हूँ। मेरे भैया, भगवान श्री राम ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर हजारों शीश पड़े हुए हैं, अब तुम्हें कैसे मालूम है कि तुम्हारे पति का शीश इसी रामादल में पड़ा हुआ है? तो सुलोचना ने कहा, मेरे पति की कटी हुई भुजा ने लिख करके बताया है कि मेरा शीश रामादल में पड़ा हुआ है। जितने भी पास में भालू, बंदर, रीछ, भगवान श्री राम की सेना में जितने थे, सब एकदम हंसने लगे सुलोचना की बात सुन करके। और हंसे क्यों? हंसे इसलिए, सब लोगों ने विचार किया कि इंसान अगर थोड़ा सा परेशान हो जाए, थोड़ा सा बीमार हो जाए तो हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, और ये इतना झूठ बोल रही है कि इसके पति की कटी हुई भुजा ने लिख करके बताया है कि इसका शीश रामा दल में पड़ा हुआ है। भगवान श्री राम समझ गए कि मेरे भक्त, सुलोचना बहुत बड़ी भक्त थी, सो भगवान श्री राम समझ गए कि सुलोचना एक पतिव्रता स्त्री है और सुलोचना की मान हानि हो रही है। तो भगवान श्री राम ने, और ये बात हकीकत है, भगवान कभी भी अपने भक्त की मान हानि नहीं होने देते। भगवान अपना वचन हटा सकते हैं लेकिन अपने भक्त का कभी वचन नहीं हटने देते। भगवान श्री राम समझ गए कि ये जितने भालू बंदर रीछ खड़े हैं ये सब और हंस रहे हैं, मान हानि कर रहे हैं सुलोचना की, जबकि सुलोचना एक बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री है। तो मेरे भैया, भगवान श्री राम ने कहा, सुलोचना अभी आपने कहा था कि आपके पति की कटी हुई भुजा ने बताया है कि उनका शीश रामादल में पड़ा हुआ है। बोले, हाँ प्रभु बताया था। तो फिर एक काम कीजिए, जब कटी हुई भुजा लिख करके बता सकती है कि मेरा शीश रामादल में पड़ा हुआ है, तो तुम्हारे अंदर अगर इतना बड़ा पतिव्रत धर्म की शक्ति है तो क्या कटा हुआ सर हंस नहीं सकता? मेरे भैया, सुलोचना ने कहा, हाँ प्रभु बात आपकी बिल्कुल सही है, जब कटी हुई भुजा लिख करके बता सकती है तो कटा हुआ सर हंस भी सकता है। अब क्या था, सुलोचना की परीक्षा की बारी है, और भगवान श्री राम सिर्फ और सिर्फ उनका मान मर्दन करना चाहते हैं जो सुलोचना के ऊपर हंस रहे थे। भगवान श्री राम अपने भक्त की मर्यादा रखने के लिए, एक पतिव्रता स्त्री की मर्यादा रखने के लिए देखो कहां से कहां तक चले जाते हैं। अब सुलोचना ने हाथ जोड़ करके एक पैर उठाया जमीन से, एक पैर पर खड़े होकर के भगवान से प्रार्थना की है, अरे मेरे प्रभु, अगर मैंने जीवन भर पतिव्रत धर्म का पालन किया है, अगर मैंने जीवन भर अपने पति के सिवाय दूसरे पति की तरफ देखा भी नहीं है, और अगर देखा भी है तो पिता, पुत्र और बेटा की दृष्टि से देखा है, अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, अगर मेरे पतिव्रत धर्म में इतनी सामर्थ्य है, अगर मेरे पतिव्रत धर्म में इतनी बड़ी ताकत है, तो अगर मेरे पति की कटी हुई भुजा लिख करके बता सकती है तो कहाँ पर है मेरे पति का शीश, वो हंस भी सकता है। मेरे भैया, जिस समय सुलोचना ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की है, इतनी बड़ी और पैज ठानी है, भगवान का भजन किया है, अपने पतिव्रत धर्म को संभाला है, उसी समय हमारे गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि सुन प्रिय वचन हसोय जब सीसा, यानी अपने प्रिय यानी सुलोचना की बात सुन करके शीश हंसने लगा, सुन प्रिय वचन हसोय जब सीसा, चौक गए सब भालू कपीसा, यानी शीश हंसा सो हंसा, यानी वो शीश हंसने लगा सुलोचना की बात सुन करके और उछल करके आकर के सुलोचना की गोद में गिरा है। मेरे भैया, ये होती है शक्ति, ये होती है सामर्थ्य, ये होती है ताकत एक पतिव्रता स्त्री में, और ये ताकत पतिव्रता स्त्री में तभी आ सकती है जब वो पतिव्रत धर्म का पालन करे। पतिव्रत धर्म का पालन क्या होता है? पतिव्रत धर्म हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस में लिखा है कि सबसे पहली पतिव्रता कौन सी है? उत्तम के बस
अस मन माही सपने आन पुरुष की नाही। सबसे उत्तम पतिव्रता वो स्त्री होती है जो सपने में भी पराए पुरुष की तरफ विचार नहीं करे, सपने में भी पराए पुरुष का विचार उसके दिमाग में नहीं आए। और दूसरे नंबर की मध्यम पतिव्रता कौन सी होती है? मध्यम पतिव्रता वो होती है कि मध्यम पर पति देखे कैसे और भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। यानी मध्यम वर्ग की दूसरे नंबर की पतिव्रता वो होती हैं जो अगर पराए पुरुष को देख भी रही हैं तो कैसे देखें, जैसे अगर बड़ा है तो अपने पिता की दृष्टि से, अपने बराबर का है तो भाई की दृष्टि से, और अगर खुद से छोटा है तो पुत्र की दृष्टि से। जो पिता पुत्र और भाई की दृष्टि से पराए पुरुष को देखे वो उत्तम प्रकार की यानी वो मध्यम प्रकार की यानी दूसरे नंबर की पतिव्रता हुआ करती हैं। इतनी बड़ी सामर्थ्य थी सुलोचना के पतिव्रत धर्म में। भगवान श्री राम खड़े देख रहे हैं, सभी भालू बंदर रीछ खड़े देख रहे हैं, वीर बजरंगबली खड़े देख रहे हैं, विभीषण खड़े देख रहे हैं और सुग्रीव खड़े देख रहे हैं, लक्ष्मण भैया खड़े देख रहे हैं। इतने देखते ही देखते वो शीश हंसने लगा और उछल करके आकर के कहाँ सुलोचना की गोद में आकर के गिरा है। मेरे भैया सुलोचना की गोद में आकर के गिरा, जितने भालू बंदर रीछ खड़े हैं सबकी गर्दन झुक गई नीचे के लिए। सब ने विचार किया, काना फूसी करने लगे आपस में कानों में और कहा अगर किसी ने कोई बात दोबारा निकाल दी तो अगर इसको क्रोध आ गया तो जला करके राख कर देगी। बहुत बड़ी पतिव्रता है इसके शरीर में, इसके अंदर इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि अगर ये चाहे तो सबको जला करके राख कर देगी, इसलिए कोई भी कुछ नहीं कहेगा। सब भालू बंदरों का मान मर्दन किया है उस जगह पर सुलोचना ने, और करवाया किसने? करवाया भगवान श्री राम ने। ऐसे थे मेरे प्रभु, चाहे दुश्मन की पत्नी सही, चाहे किसी की भी पत्नी सही, लेकिन भगवान स्त्रियों की इतनी बड़ी इज्जत किया करते थे। भगवान श्री राम स्त्रियों को इतना सम्मान दिया करते थे। सुलोचना एक दुश्मन की पत्नी थी यानी मेघनाथ की पत्नी थी, एक दुश्मन की पुत्र वधु थी, रावण की पुत्र वधु थी, लेकिन भगवान ने उसका भी इतना बड़ा सम्मान किया, उसका भी इतना बड़ा मान रखा है मेरे प्रभु श्री राम ने। ऐसे थे मेरे प्रभु श्री राम। तो उस सर को लेकर के सुलोचना अपने घर चले आई। अब इससे आगे की कथा, वीडियो बहुत लंबी होने के लिए जा रही है, इससे आगे की गौर करेंगे अगली कथा में। दोस्तों अगर आप लोगों को प्रसंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो अपने परिवार दोस्तों और पत्नियों के साथ में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस कथा से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। दोस्तों अगर 100% लोगों में से अगर 5% लोगों को भी ये मेरी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जय श्री राम जरूर लिखिएगा, मुझे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।